नेक्स्ट है, बर्ड्स लाइक डक्स, क्रैंस, गल्स एंड गीज ऑल्सो लिव ऑन द ऑन एंड नियर वाटर. दिस आर एक्वेटिक बर्ड्स एंड हैव वेब्ड फीट. दे यूज देम एज पैडल्स फॉर स्विमिंग. दे हैव ऑयल ग्लैंड्स इन देयर बॉडीज टू कीप द फेदर्स ऑयल्ड. दिस हेल्प टू प्रिवेंट दिस फेदर्स फ्रॉम गेटिंग वेट. यानी कि बर्ड्स जैसे हो गया डक हो गया, क्रेंस हो गया, गल्स हो गया, गीज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी पानी में रहते हैं, पानी के आसपास भी रहते हैं और इन्हें एक्वेटिक बर्ड्स कहा जाता है. इनके पास एक अलग से वेब फिट होता है यानी कि जालीनुमा पैर होता है. इनके जब पैर होते हैं, पैर के उंगलियों के बीच यहाँ पे एक तरह का जाल बना हुआ रहता है जो चमड़ा का चमड़े जैसे हमें दिखाई देता है, जालीनुमा. और इनके पास ऑयली ग्लैंड्स होता है जिसके कारण इनका फेदर ऑयल्ड रहता है. और वो क्या करता है कि इनके जब ये पानी में तैरते हैं तो इनका जो फर होता है, फेदर होता है, वे कभी भी गीले नहीं होते हैं जिसके कारण. नेक्स्ट है, ब्रीथिंग इन एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवर किस प्रकार से सांस लेते हैं उनको देखते हैं. ऑल एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक ह्यूमन्स. दे नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. दिस एनर्जी हेल्प देम इन ऑल देयर एक्टिविटीज एंड कीप देम हेल्थी. यानी कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ह्यूमन की तरह ही सांस लेते हैं. जैसे कि हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ऑक्सीजन. ऑल एनिमल्स ब्रेथ इन, नेक्स्ट है ब्रीथिंग इन एनिमल्स, यानी कि जानवर भी किस प्रकार से सांस लेते हैं उनको हम पढ़ते हैं. ऑल एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक ह्यूमन्स. दे नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. दिस एनर्जी हेल्प देम इन ऑल दिस एक्टिविटीज एंड कीप्स देम हेल्दी. यानी कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं वे भी क्या करते हैं, ह्यूमन की तरह ही, यानी कि मनुष्य की तरह ही वे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. दे नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, और उनको भी ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो भी एनर्जी बना सकें जो भी खा. फिर है, दिस एनर्जी हेल्प देम इन ऑल दिस एक्टिविटीज एंड कीप्स देम हेल्दी. और इन्हीं के द्वारा उनको एनर्जी मिलता है और जिसके कारण ये जितने भी एक्टिविटी होता है वे आराम से कर सकते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं. ऑल मैमल्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स. यानी कि सभी मैमल्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो है वे अपने लंग्स से सांस लेते हैं. ए टाइपोल ब्रेथ्स थ्रू इट्स गिल्स. एक टाइपोल्स क्या है, वो अपने गिल से सांस लेता है. व्हेन इट्स ग्रो अप इट बिकम्स ए फ्रॉग. फ्रॉग्स ब्रेथ थ्रू देयर मोस्ट स्किन व्हेन इन वाटर एंड थ्रू द लंग्स व्हेन दे आर एंड ऑन लैंड. एंड अर्थवर्म ऑल्सो ब्रेथ्स थ्रू इट्स स्किन. यानी कि एक जब एक फ्रॉग छोटा सा होता है जिसको हम टाइपोल कहते हैं, जैसे यहाँ पर फिगर में दिया है, तो उसको वो क्या करता है कि छोटे में वो गिल्स से सांस लेता है. और जब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, एक फ्रॉग बन जाता है, तब वो अपने मॉइस्चराइजर स्किन से, यानी कि मॉइस्ट स्किन से वो सांस लेना शुरू कर देता है पानी में. और जब भूमि पर रहता है तो वो अपने लंग से सांस लेता है. और अर्थवर्म भी अपने स्किन के द्वारा वो सांस लेता है. नेक्स्ट है, ऑल द फिश ब्रेथ्स थ्रू गिल्स. यानी कि सभी मछलियाँ वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर बट दे आर नॉट फिश. यानी कि व्हेल्स और डॉल्फिन जो है वो पानी में रहते हैं लेकिन वो मछली नहीं कहलाते हैं. दिस मैमल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स. गिल्स अब्जॉर्ब द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. दिस टेक इन वाटर फ्रॉम द माउथ एंड लेट इट गो आउट थ्रू द गिल्स. यानी कि ये जो मैमल्स है वे लंग्स सांस लेते हैं, ठीक है, और जितने और अपने गिल से ये क्या करते हैं, पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और जितना भी ऑक्सीजन आता है डिजॉल्व कर लेते हैं
और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, निकाल देते हैं। दे टेक इन वाटर फ्रॉम द माउथ, और ये पानी लेते हैं अपने मुख से और उसके बाद से अपने गिल से के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है, इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रो एयर होल्स इन देयर बॉडी, यानी कि इंसेक्ट जो है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने एयर होल से सांस लेते हैं जो उनके बॉडी में होता है। दिस होल्स आर कॉल्ड स्पेरिकल्स, यही क्या कहलाता है, स्पेरिकल्स कहलाते हैं, यानी कि जैसे फिगर में है यहाँ पर छोटे छोटे जो छिद्र हैं इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इंसेक्ट डो नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स, इनके पास क्या नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है। दिस बॉडी इज डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन, इनका जो बॉडी है वो डिवाइड रहता है हीमोग्लोबिन के कारण से। सो दे हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स टू कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू ऑल द बॉडीज पार्ट अनलाइक ऑल द अदर एनिमल्स, यानी कि इनके पास एक नेटवर्क की तरह ट्यूब्स रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली इनके पार्ट में डाल देता है, दूसरे जानवरों की तरह नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट्स। मैनी एनिमल्स हैव एडॉप्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एडॉप्ट करते हैं वो अपने खाने पे। फर्स्ट है हार्बीवोरस, हार्बीवोरस एनिमल्स इट ओनली प्लांट्स, यानी कि हार्बीवोरस जो भी जानवर होते हैं यानी कि शाकाहारी, वे सभी जानवर क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। रोडेंट्स लाइक मिंक, rabbits and squirrels have a pair of sharp front teeth, they help them to ground seeds and fruits, यानी कि rodent जैसे जानवर हो गए छोटे छोटे, mink हो गया, rabbits हो गया, squirrel हो गया, इनके पास दो pair दांत होते हैं आगे की तरफ front में, ठीक है, और उसी से ये जितने भी बीज होते हैं या fruits होते हैं उनको कुतरते हैं और खाते हैं। cows, goats and deer are ग्रास ईटर, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्टोर बोर्ड्स थिक टीथ फॉर चोइंग, यानी कि गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ग्रास ईटर, यानी कि घास खाने वाले जानवर ये कहलाते हैं। और इनके पास फ्रंट में दांत होता है जो जिसके कारण वे लोग क्या करते हैं, अच्छे से घास को काट कर और अपने भोजन को लेते हैं, यानी कि ग्रास खाते हैं और उसके बाद से ये चबाते हैं, चबाने के बाद ये क्या होता है, उसको अच्छे से ये पचाते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में है डियर, एलिफेंट, काउज, गॉट और यहाँ पे स्क्वायरल और माउस है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए जिराफ यूज्ड इट्स लॉन्ग नेक टू रीच द लीव्स ऑन ट्री टॉप्स एंड हाई ब्रांचेस, यानी कि जिराफ के पास क्या होता है, लंबा गर्दन होता है जिसके कारण वे बड़े बड़े पेड़ों को, पेड़ों से वो पत्ते जो ऊपर ऊपर होते हैं वो भी अच्छे से खा सकता है, क्योंकि उसका जो गर्दन होता है वो बहुत ही लंबा होता है जिसके कारण वो ट्री के टॉप तक भी वो पहुँच जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है कार्निवर्स, कार्निवोरस एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस मीन्स क्या होता है, मांसाहारी जानवर, यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स का क्या हुआ, मांसाहारी जानवर, जैसे कि लायन, टाइगर्स एंड वोल्फ्स आर हंटर, लायंस यानी कि शेर, टाइगर, बाघ, वोल्फ्स ये सारे के सारे क्या कहते हैं, शिकारी कहलाते हैं। दे हैव शार्प टीथ एंड ए स्ट्रॉन्ग क्लू, दे होल्ड देयर प्रे विथ द कल्स एंड टीयर इट अपार्ट विथ देयर शार्प टीथ, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं छोटे छोटे जानवर या बड़े जानवर को, ये लोग शिकार करते हैं और उनको अपने जॉ से, ठीक है, और अपने शार्प टीथ से और क्लो से ये पकड़ लेते हैं और उसके बाद से इनका टुकड़ा कर कर अपने पेन नुकीले दांत के कारण टुकड़े कर मांस को खा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है ए फ्रॉग कैच द इंसेक्ट विथ इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग्स, यानी कि एक जो फ्रॉग है मेंढक, वह अपने चिपचिपे जुबान
उसका लंबा होता है जीभ, जिसके कारण वो क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को अपने जुबान से वो क्या करता है, पकड़ता है और उसी को खाता है। ए स्नैक स्वॉलोज इट्स प्रे होल एंड ईगल्स कैन ईजली स्पॉट ए स्नैक ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द स्काई। इट सॉप्स डाउन ऑन द स्नैक एंड पिक्स इट अप विथ इट्स टलॉन्स। यानी कि सांप जो है वो अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लेता है, और एक ईगल है जो आसानी से कोई भी सांप को अपने पंजों में पकड़कर और ले जाकर उसको खा लेता है, या तो स्काई में भी उसको खा सकता है, या फिर किसी चट्टान पे ले जाकर उसको पटक देगा और वो शिकारी क्या होता है, मर जाता है, यानी कि सांप क्या होगा, मर जाएगा। उसके बाद से ईगल क्या करेगा, उसको खा लेगा, टुकड़ा टुकड़े कर कर खा लेता है। ओमनीवर्स और ओमनीवोरस एनिमल इट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। यानी कि जो सर्वहारी है होते हैं, ओमनीवोरस मतलब सर्वहारी, सर्वहारी जानवर जो होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी, यानी कि दूसरे जानवर के मांस को भी खाते हैं। मैनी एक्वेटिक एनिमल्स लाइक वेल्स एंड शार्क्स आर हंटर, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग जॉ एंड शार्प टीथ। यानी कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि वेल्स है, शार्क्स है, ये भी क्या कहलाते हैं, हंटर्स कहलाते हैं, और ये भी, इनके पास भी मजबूत जॉ और शार्प टीथ होते हैं, जिसके कारण ये कोई भी जानवर को आराम से पकड़ लेते हैं। ए पाइथन इज ए ह्यूज रेप्टल, इट कैन ओपन इट्स माउथ सो वाइड दैट इट कैन सोलो समटाइम्स एज बिग एज ए डियर। इट किल्स इट्स प्रे बाय कोलिंग अराउंड इट एंड देम स्क्वीजिंग इट टू डेथ। यानी कि एक पाइथन जो होता है वो एक बड़ा, सबसे बड़ा रेप्टाइल्स माना जाता है, और ये क्या करता है कि अपने बड़े से मुख के द्वारा कोई भी जानवर को या कोई भी शिकारी को ये अपने से छोड़ नहीं पाता है, यानी कि उसको छोड़ता नहीं है। पाइथन जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने शिकार को धीरे धीरे वो निगलना शुरू कर देता है, जैसे कि एक हिरन को ही वो आराम से निगल सकता है। नेक्स्ट है, वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग नेक्स एंड लॉन्ग ब्रेक्स, दे हेल्प देम टू कैच फिश इन सॉलो वाटर। यानी कि वेडिंग बर्ड्स जो होता है, इनके पास बड़े पैर होते हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं, लंबे चोंच होते हैं, लंबे गर्दन भी होते हैं, जिसके कारण ये फिश को, यानी कि पानी के अंदर जो फिश होता है उसको आराम से पकड़ कर ये निगल लेते हैं। मॉस्किटो सुक्स ब्लड थ्रू ए नीडल लाइक माउथ। यानी कि मॉस्किटो क्या करता है, वो हमारे शरीर से ब्लड को चूसता है, एक प्रकार का उसके पास से नीडल लाइक माउथ होता है, यानी कि यहाँ पर फिगर है एक ट्यूब की तरह, यही क्या है, एक नीडल यानी कि सुई नुमा उसके पास एक माउथ होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, खून ब्लड को चूसता है। बटरफ्लाइज सुक नेक्टर थ्रू ए कोयल ट्यूब लाइक माउथ। यानी कि बटरफ्लाई के पास भी क्या रहता है, एक प्रकार का ट्यूब होता है, जिसके कारण वो नेक्टर को चूसता है।